So hello everyone, welcome back to the channel. In this video we are going to discuss about two major topics which you are asking me again and again in the comment box. The first one is mode of examination and second one is you are asking that sir will CMA exam postponed. तो देखो मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो लास्ट टाइम था पहले उसको मैं आपको समझा देता हूँ. जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो लास्ट अटेम्प्ट था दिसंबर 2020 में वो हमारा था ऑनलाइन. ऑनलाइन में आपको दो ऑप्शन दिया गया था, होम बेस और सेंटर बेस. यानी आपको एग्जाम तो ऑनलाइन देना है, आप घर से भी दे सकते हो और सेंटर बेस भी दे सकते हो. ये लास्ट अटेम्प्ट था, करंट अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा हूँ. बट लास्ट अटेम्प्ट में जो होम बेस में था उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी. कुछ बच्चों ने चीटिंग भी की थी, उनको डिवाइड कर दिया गया. कुछ बच्चों ने नहीं भी की, उनको भी डिवाइड कर दिया गया. इंस्टीट्यूट की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी. तो मतलब प्रॉब्लम बहुत सारा आया होम बेस में. यहाँ तक कि ये होम बेस वाले सिस्टम जो था इसको कोर्ट तक चला गया मामला. तो होम बेस जो था लास्ट अटेंड में ये बिल्कुल ही सक्सेसफुल नहीं रहा. सेंटर बेस काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा. ठीक है, अब बात करते इस अटेम्प्ट की, यानी जो अटेम्प्ट होने वाला है जुलाई 2021 में इंटर फाइनल फाउंडेशन किसी भी लेवल के लिए. तो इसका क्या होगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा? और अगर ऑनलाइन होगा तो क्या होम बेस उसमें अलाउड होगा कि सिर्फ से सिर्फ सेंटर बेस होगा? तो आई होप आपको प्रीवियस ईयर के एक्सपीरियंस मैंने बता दिया उससे आपको समझ में आ गया होगा कि 99.99%, देखो ये हमारी उम्मीद है, बाकी इंस्टीट्यूट कुछ भी कर सकता है, 99.9 इतना परसेंट उम्मीद है कि अब की बार होम बेस नहीं मिलेगा. अगर ऑनलाइन हुआ भी तो देखो कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, ये हम ऐसा हमारा एक ओपिनियन है, बाकी इंस्टीट्यूट के ऊपर है. अभी तक इंस्टीट्यूट ने डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन डिक्लेयर करेगा भी तो ये हमारा मानना है कि होम बेस तो नहीं देगा. अगर एग्ज़ाम हुआ ऑनलाइन तो ऑनलाइन ही हुआ तो सेंटर बेस ही होगा. अब आप बोलोगे सर अगर सेंटर बेस पर ही लेना है, अगर सेंटर जाके एग्ज़ाम देना है तो इंस्टीट्यूट क्यों नहीं ऑफलाइन ले लेता, सेंटर बेस होम ऑनलाइन करने के क्या मतलब है? देखो वो इंस्टीट्यूट के ऊपर है कि क्या डिसाइड करता है और किस बेस पे डिसाइड करता है कि अगर वो ऑनलाइन ले या ऑफलाइन ले, होगा तो सेंटर पे ही, ये 99.9% उम्मीद है. होम बेस का कोई गारंटी नहीं है, होम बेस 100% नहीं होना चाहिए, बाकी इंस्टीट्यूट के ऊपर है. तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन तो यार क्या बोले, अभी तक इंस्टीट्यूट ने कोई क्लेरिफिकेशन नहीं की है. ये हमारा एक एज अ टीचर या एज अ स्टूडेंट एक एक्सपीरियंस लग रहा है कि इस बार होम बेस नहीं मिलेगा, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, होगा तो सेंटर पे, ये फिक्स है. दूसरा सर क्या सेम एग्जाम पोस्टपोन होगा? तो देखो सेम एग्जाम ऑलरेडी पोस्टपोन होकर जुलाई में पहुंच चुका, अब कितना पोस्टपोन कराओगे? हमारा एग्जाम जुलाई में है, अभी ये चल रहा मई. ठीक है, मई आज डेट क्या है, तो आज डेट है 13. तो देखो जुलाई में अभी भी लगभग 1.5 मंथ है. तो अभी हम ये कुछ नहीं बोल सकते पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा. कोविड की जो है सिचुएशन अगर जुलाई तक नॉर्मल हो जाती है तब तो एग्ज़ाम होंगे जुलाई में. अगर नॉर्मल नहीं होता, इससे भी ज़्यादा भयानक सिचुएशन हो जाती है तो हो सकता है. लेकिन देखो ये मत सोचना कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है तो उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाई थोड़ा डिले करें. बिल्कुल आप स्टडी पूरे टाइट रखो, बहुत अच्छे से फोड़ के आना एग्ज़ाम में, तैयारी करते रहो. एग्ज़ाम ये मत सोचना कि कोविड के चक्कर में एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, ये हो जाएगा वो जाएगा. आप अपना जुलाई के लिए तैयारी पूरी रखो 100%. किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी आप कमेंट करो, उसके बेस में वीडियो बनाकर आपको समझा देता हूँ. ठीक है, तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन देखो फिर से दोनों टॉपिक का वही सेम सिचुएशन है. बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि देखो अभी भी ये दोनों चीज़ों पे इंस्टीट्यूट ने कुछ भी क्लेरिफिकेशन नहीं दिया, ना तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में कुछ बोला है, ना तो सेम एग्जाम पोस्टपोन होगा. ये हम लोग अपनी तरफ से एक ओपिनियन दे रहे हैं कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा ये हमारी उम्मीद है, और सेंटर बेस होगा ये भी हमारी उम्मीद है, बाकी कुछ भी हो सकता है. अभी तक इंस्टीट्यूट ने क्लेरिफाई नहीं किया, जब भी इंस्टीट्यूट क्लेरिफाई करेगा मैं वीडियो बना दूंगा तुरंत. दूसरी बात, पोस्टपोन के चक्कर मत रहना कि जुलाई में भी टाइम है, तब तक कोविड का सिचुएशन सुधर भी सकता है और ख़राब भी हो सकता है. ख़राब होगा तो देखा जाएगा इंस्टीट्यूट क्या करता है, पोस्टपोन करता है कि नहीं करता है, और अगर सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हुई तो मे बी एग्ज़ाम हो भी जाए. ठीक है, ज़्यादातर उम्मीद है एग्ज़ाम होने की, क्योंकि अभी 1.5 महीने में कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो अब कंफ्यूज नहीं होना, बस यही है क्या करें, लगता है कि सर आपने और कंफ्यूज कर दिया. लेकिन जो भी वीडियो यही आपके सामने, आपने पूछा था तो मैंने कहा सोचा है 2 मिनट का एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों को समझा दूं. ठीक है, थैंक यू सो मच, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर.